मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी से मैं अपील कर रहा हूं, मैं 70,000 चौकीदारों को अपील कर रहा हूं, और इस अपील को ये मत समझ लेना कि फ्री का घी हजम नहीं होता। ये दोस्तों यही कड़वा सत्य है कि आजकल जो सेवा फ्री भाव से करता है उसकी मान मर्यादा इज्जत सम्मान इतना नहीं हो पाता। ये कलयुग चल रहा है। इस समय जो पाप करता है, जो झूठे मकारों के लोगों के साथ में रहता है, उसे वहाँ पर अपने आप में खुशी मिलती है कि उसको लगता है कि नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आने वाला जब उनका वक्त होता है तो वो वक्त उन्हें इतना परेशान कर देता है कि शायद वो अपना पिछला वक्त याद करते हैं बार बार। मित्रों, कभी भी किसी भी व्यक्ति को ना एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। किसी भी व्यक्ति को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं ही सब कुछ हूं। मैं ही व्यक्ति को खा जाता है। रावण का अहंकार कभी नहीं चल सका तो लोगों का कैसे चल सकता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के समस्त चौकीदार बंधु, कोटवार, पटवारी, आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जहां पर हमारे जैसे भाई होते हैं जो निस्वार्थ सेवा भाव से आपकी लगाई रहते हैं। रात में जब सोते हो तो 100 बार सोचा करिए, भगवान के सामने सर रखकर पूछा करिए कि आखिर अनु त्रिपाठी कैसा रखती है। लेकिन किसी को गलत कहना, किसी के बारे में गलत टिप्पणी करना, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये उनके चरित्र में होगा लेकिन हमारे चरित्र में ऐसा नहीं है। मित्रों, 14 तारीख को, 14 सितंबर को हमने जो जन आंदोलन रखा है, अगर वहां पर हमारे बंधुओं ने हमारी अपील को स्वीकार करते हुए अपनी संख्या को दर्शाया और काफी तादाद में लोग आए, तो आपको हम निराश नहीं लौटने देंगे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ अच्छा करके लौटेंगे। अगर हंसते हुए ले जाएंगे तो हंसते हुए वापस लाएंगे। लोगों ने देखो क्या किया, भाई मैंने पहले अपील की कि 2 दिन का, 1 दिन का समय दे रहा हूं, अगर परमिशन ला सकते हो तो जाकर के जंतर मंतर से परमिशन ले आओ, मैं भी चलने को तैयार हूं। 24 घंटे इंतजार करने के बाद कोई ठसका नहीं, मस्का नहीं, तो हमने फिर निर्णय लिया कि समय बहुत करीब है, मैं जाकर के ले आया। उसके बाद 2 दिन के बाद ले ली जाती है परमिशन। मैं आप लोगों से ही पूछना चाह रहा हूं, ये राजनीति नहीं है तो क्या है? अनु त्रिपाठी को तो राजनीतिक शिकार बना रहे हैं कि भाई अनु त्रिपाठी राजनीति कर रहा है। भाई राजनीति अनु त्रिपाठी तब करे ना कि जब वहां पर ये कहे भाइयों बहनों मेरी पार्टी फलाना फलाना मुझे वोट दे देना, मुझे जिता देना 2024, तब बोलते ना राजनीति। यहां तो हर जगह पल पल कोने कोने में चौकीदारों की बात कर रहा हूं, कोई सीना फाड़ के नहीं दिखा सकता। यहां तक पार्टी भी परेशान हो गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमसे कल कहने लगे क्या रन्नू भाई ये समस्या आप देखिए, क्योंकि आपके चक्कर में मैं अपना घर द्वार दुनिया छोड़ी बैठा हूं और भागा भाग खा हूं। तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज हमारी थोड़ी मदद करें, क्योंकि एक दूसरे का साथ और सहयोग लेकर के ही हम जंग को जीत सकते हैं। अकेले कोई झंडा नहीं गाड़ देता है। मैं देखो मार्ग दे सकता हूं, मैं रास्ता बता सकता हूं, हमारी पार्टी सहयोग करते हुए हमें उस मंजिल तक ले जा रही है। इसके अलावा आप लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, आप लोग भरोसा बनाए हैं, इसलिए मुझे हिम्मत मिलती है। तो सब सबका साथ होता है तभी तो विकास होगा। तो आप तीनों लोगों का बहुत बड़ा योगदान है हम तीनों का, और हम लोग ही इतिहास रच सकते हैं। आपके अंदर वो हर एक कला है, आपके अंदर हर वो जज्बा है, हर वो जुनून है जो आप कर नहीं सकते। आप अगर ठान लो तो सब कुछ कर सकते हो। प्यारे मित्रों, आज ईश्वर ने मुझे जो भी बोलने का टैलेंट दिया है या बात करने का या आपको लोगों को समझाने का, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं योगदान ऊपर वाले का और तमाम गरीब लोगों की दुआओं का है। मैं एक आम आदमी हूं, मैं एक आम इंसान हूं, एक मानव हूं, और मैं मानव जाति पर भरोसा रखता हूं। मैं मानव सेवा करता हूं, ना कि जाति विशेष। आज मैं बाई ट्रेन आ रहा था गांव। मेरी जो पहचान है, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो मोहताज नहीं है। हमारे प्यारे चौकीदार भाइयों ने इस अन्नू को इस लाख तो बनाई दिया है कि लोग चलते डगर पहचान रहे हैं, और संभवतः मैं उनकी मदद करूंगा। एक के मुस्लिम महिला बेचारी जमीन में बैठी थी,
मुझे देखा नहीं गया तो मैंने कहा आप हमारे साथ इस पे बैठ जाइए। मैंने बैठा लिया। बैठाने के बाद वो महिला बैठी रहती है। उसके बाद बोलती है कि भैया जी आप क्या करते हैं। मैं यार अटपटा रह गया कि मैंने कहा भाई इस तरीके सवाल कोई कैसे लेडीज को कर सकती है। तो मैंने कहा देखिए बहन जी, मैं एक समाज सेवक हूं और हमारा उत्तर प्रदेश से जो बीसी विभाग है हम उसके लिए रात दिन कार्य करते हैं, एक मददगार है जो संभवतः होता है लोगों की मदद करता हूँ। बेचारी रोने लगी, कहने लगी भैया मुझे लग रहा था कि आप हमारी मदद कर सकते हो। उसने अपनी कहानी बताई है कि भाई भौजाई की कहानी है जिसमें इन लोगों को फंसा रखा है, बेचारी रो रो के परेशान है और पूरे चेहरे में झुर्रियां आ गई भाग भाग करके। इटावा की रहने वाली है। मेरा स्टेशन आ गया था इसलिए मैंने उसको नंबर दे दिया है, शाम को शायद कॉल करेगी। उसका हस्बैंड भी था, दोनों लोग बड़े खुश हुए। हाँ नमस्कार किया हमको, बोले भैया जी मैं आपसे फ़ोन करूँगा। मैंने उनको विश्वास दिया कि आप परेशान ना हो, आपकी हम संभवतः मदद करेंगे। तो मैं आप लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि देखिए जो भी है चाहे कोई व्यक्ति हो हमारे पास जो आता है मैं उसे कभी खाली नहीं लौटाता। तो प्यारे मित्रों बस आप लोग दिमाग लगाओ, बस ये मत सोचो आप लोगों ने अपनी संख्या दिखाई तो हम लोग कुछ ना कुछ लेकर लौटेंगे। और अगर राजनीतिक तत्वों के बीच में आप पहुंच गए तो आप ये समझ लीजिए आप अपना नहीं अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। इसलिए बच्चों के भविष्य को देखते हुए 14 तारीख को ये चौकीदारों का आंदोलन है, वहां पर कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। कोई आदमी मेरे बारे में झूठी अफवाह क्या उड़ा रहा इस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरी जरूरी बात कि अगर मेरे नाम से कोई भी व्यक्ति चंदा वसूली करे या कुछ भी आपसे मांगता है तो सबसे पहले आप हमसे जरूर संपर्क कर लें, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि चंदा वसूली करिए। इस बात को ध्यान रखना, ये याद रखना कि कभी अन्नू त्रिपाठी ये नहीं कहेगा कि आप लोग अपने अपने थाने में चंदा वसूली करिए। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना, हमसे ही जानकारी ले लेना, क्योंकि ऐसा हो सकता है हमें बदनाम करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जंतर मंतर पे भी। लेकिन आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद है तो जाके राखो साइया बाल मार सके ना कोई। ठीक है मेरे भाई, आप लोगों का साथ है ये हमारे लिए सर्वप्रिय है, और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको जवाब 14 तारीख को दे दिया जाएगा। और उस 14 तारीख में जो लोग हमारे भाई हमारे मेहनत कर रहे हैं रात दिन जब तब कर रहे हैं, सबसे पहले उनका मैं सम्मान करता हूँ और मुझे लगता है ऐसे युवा इतिहास रच सकते हैं। जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक जरूर पहुंचाना, मुझे लगता है कि शायद इस तरह से समझा सके हम लोगों को। नमस्कार।